हेलो गाइस, आप में से काफी लोगों ने कमेंट की थी कि भैया मुझे वन फ्रीडम प्लान का जो लिमिट है उसको अपने बैंक में ट्रांसफर करना है, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है और मुझे कैशबैक भी रिसीव होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिससे आपको कैशबैक भी रिसीव हो जाएगा, वन फ्रीडम प्लान की जो लिमिट है वो आप लोग बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हो, अगर आपके वॉलेट में पैसा है उसको भी आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत 100% वर्किंग ट्रिक है ये, मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि आधे लोग तो पहले ही भाग जाते हैं और वीडियो पूरा नहीं देखते, फिर बाद में कहते हैं कि भैया ये ट्रिक वर्क नहीं कर रही है। मेरे पास में काफी लोगों की कमेंट आती रहती है कि भैया मुझे गोल्ड खरीद के मैंने लिया था, 3% की मुझे GST लगी है। ये सब आप कुछ भी नहीं करना है आपको, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा बस आपको वो फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग स्टेप जान लीजिए, आपको पास में क्या होना चाहिए। आपके पास में होना चाहिए फास्टैग। रुको, भागना मत। फास्टैग मैं किस लिए कह रहा हूँ आप लोगों को बता दूं, टू व्हीलर का फास्टैग नहीं बनता है। पहली बात, अगर आप लोग अप्लाई करोगे किसी भी बैंक में या फिर आप लोग फास्टैग जाके वहां पे अप्रूव करवाओगे, आपका वहां पे फास्टैग नहीं बनेगा। लेकिन मैं किस ट्रिक से आपको फास्टैग अप्रूव करके दिखाऊंगा, आप लोग जितना भी पैसा मतलब रिचार्ज करोगे वो सब कुछ आपके पेटीएम वॉलेट में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों के पास में पेटीएम का एक अकाउंट होना चाहिए। पेटीएम KYC फुल हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं है फिर भी आप लोग यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, पेटीएम ओपन करना है। ओपन करने के बाद में मैंने एक इस पे वीडियो बनाई है, पेटीएम का फास्टैग कैसे आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों को आई बटन पे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पहले जाइए वहां से फास्टैग ले लीजिए। सबसे सस्ते में मैंने उसमें बताया है आप लोगों को ₹100 का फास्टैग लगेगा। दोस्तों, ये लाइफ टाइम के लिए है सबसे पहली बात, और आपका जो फास्टैग है पेटीएम अप्रूव कर देगा, लेकिन 1 से 2 दिन बाद वहां पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है और वहां का आपका जो फास्टैग है वो वहां पे अपलोडिंग के लिए दिखाया जाएगा, आप लोग डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कीजिए। लेकिन आपको फिर से अपलोड नहीं करना है, मेरे में भी यही ऑप्शन है, आप लोग साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, लेकिन मेरे जो फास्टैग अप्रूव हुआ है वो अभी भी वर्किंग में है और आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। आपको मैं एज ए लाइव इसमें करके भी दिखाऊंगा। ₹100 इन्वेस्ट करना है, बाकी आप लोग कैशबैक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। फ्री रिचार्ज में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम फास्टैग रिचार्ज करते हो ₹250 का, जैसे आप रिचार्ज करोगे पेटीएम वॉलेट में आपका पैसा आ जाएगा, ₹30 आपको फ्री रिचार्ज में मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑफर चल रहा है फर्स्ट टाइम अगर आप लोग फास्टैग रिचार्ज करते हो। तो दोस्तों, ये तो हुआ इतना, अब जो भी मैंने आपको बताया है अगर आपको वो समझ में आ गया हो तभी आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, वरना आप लोग स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा सॉलिड 100% वर्किंग ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं, आपको मैं जो भी बताऊंगा और दिखाऊंगा वो एज ए लाइव होगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए मेरे धनी वॉलेट में कितना पैसा है, मैं पहले पैसा ऐड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ₹1 है और यहाँ पे मेरा वन फ्रीडम प्लान जो है मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किया, कैंसिल कर दिया है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग दोनों में ये वर्किंग करेगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैं पैसा ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ₹500 करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने ₹500 का काफ़ी ट्रांजेक्शन किया है और यहाँ पे मेरे पैसे भी थोड़ा नहीं है, पेटीएम में बैंक से मुझे कटवाना पड़ेगा, इस वजह से 500 मैं ऐड कर रहा हूँ। फोन पे से आप कर सकते हो, गूगल पे, किसी से भी। यहाँ पे मैं पैसा ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, एज अ मुझे 1% का कैशबैक मिलेगा इसमें। यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पेटीएम से पैसा पेमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको, एज ए लाइव है दोस्तों, कोई भी मैं यहाँ पे स्किप नहीं करूँगा वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, भाई स्किप कर दिया होगा वीडियो, स्किप कर दिया होगा, तो ऐसा नहीं है, मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ₹500 पेमेंट किया, यहाँ पर मेरे धनी वॉलेट में पैसा ऐड हो चुका है, ऊपर मैसेज भी आ चुका है पेटीएम की तरफ से, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ₹500 मेरा सक्सेसफुल तरीके से ऐड हो चुका है। और दोस्तों, ये आज की डेट है, देख सकते हैं 23 नवंबर, वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आप लोग को मैं एज ए लाइव करके दिखाऊंगा सब कुछ। यहाँ पे ₹501 हो चुका है मेरा, और उसके बाद में मैं अपना पेटीएम ओपन करके आपको दिखा दूँ। पेटीएम ओपन करने के बाद में यहाँ पर मेरा UPI आएगी तो मैं इसको हाइड कर दूँगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है फास्टैग, बस आपको सिंपल सा फास्टैग रिचार्ज लिख सकते हो या फिर फास्टैग लिखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ फास्टैग रिचार्ज मैंने लिखा था तो यहाँ फास्टैग रिचार्ज, मेरा गाड़ी का नंबर पहले से आ चुका है तो आप लोगों को गाड़ी का नंबर डालना है, सेम ऐसे ही पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे पैसे डालने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे मैं ₹500 पे करके आपको दिखाऊंगा एज ए लाइव।
तो आप लोग को एक काम और करना है, मैं ये बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी कार्ड हैं ये सब धनी के कार्ड हैं, आप लोग को देख रहा होगा इसमें आधे ज़्यादा धनी के कार्ड हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट और CVV नंबर आप लोग को डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना कार्ड दिखा दूँ, लाइव करूँगा, यहाँ पर कार्ड भी हाइड नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि मैंने किया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग कार्ड कॉपी करोगे उसके बाद में पेस्ट करोगे तो होगा नहीं, अगर आप कोई ट्रिक करके उसके बाद में फिर पेस्ट करने की कोशिश करोगे हो तो जाएगा पेस्ट, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, अगर आप ये काम करते हो तो आपका कार्ड इनवैलिड दिखाएगा। तो देखिए मैंने किया, यहाँ पे मेरा कार्ड इनवैलिड दिखाया। तो आपको एक एक नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग को पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5085, उसके बाद में 0702, उसके बाद में देखिए मैं एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ 3451। मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज़ जैसे मैं एटीज कर रहा हूँ वैसे आपको भी करना है, जिससे कि आपका कार्ड एक्सेप्ट हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोग पेस्ट और कॉपी करते हैं, इसी वजह से उनका कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम करना है आपको, अदरवाइज़ आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे, पेमेंट करोगे तो आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, ओनली फास्ट टैग। यहाँ पर मैं एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ, यहाँ पर अपना CVV नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे 199, यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ। देख सकते हैं मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी स्किप नहीं करूँगा वीडियो, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा धनी का कार्ड कोई देख लेता है, क्योंकि काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे, मेरे में OTP आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। यहाँ पर मैंने पेमेंट किया, मेरे में OTP आएगा, देखिए मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे OTP का ऑप्शन आ चुका है, कार्ड एक्सेप्ट हो गया है। यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ 6735, उसके बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये बोला जाएगा कि आपको अपना कार्ड सिक्योर करना है या नहीं, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, कैंसिल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये लोडिंग लेगा, यहाँ पे धनी की तरफ से मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग धनी। तो आप लोग को वेट करना है, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं धनी का सिस्टम बहुत घटिया है, बहुत धीरे धीरे चलता रहता है, प्रोसेसिंग बहुत लेता है। तो आप लोग इसको बैक भी कर देते हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा पेंडिंग में आ गया है, लेकिन पेमेंट मुझे आ जाएगी, मैं एज ए लाइव करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरा यहाँ पे ऐसे ही दिखा रहा है कि अभी आपका रिचार्ज नहीं हुआ है, पेंडिंग में है। तो आप लोग को 5 से 6 मिनट वेट करना है। यहाँ पर मैं आपको धनी एप्लीकेशन भी दिखा दूँ, यहाँ से धनी एप्लीकेशन में पैसा कट गया है, लेकिन अभी तक मेरे जो पेटीएम वॉलेट में पैसा अभी नहीं आया। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए मेरा 500 रुपये यहाँ से कट चुका है। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो देखिए अभी भी पेंडिंग में दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको होम पे आना है, बैलेंस पे चेक करना है, देखिए यहाँ पे पैसा आया कि नहीं, 176 रुपये है, यहाँ पे देख सकते हैं -500 है, अभी मेरे पास में पैसा नहीं आया। तो दोस्तों आप लोग को 5-6 मिनट वेट करना है, या फिर आप बार बार रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो, एज ए लाइव मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया था, मेरा 500 आ चुका है, यहाँ पे 676 रुपये हो चुका है। और टाइम देख लीजिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7:12 हुआ है। और दोस्तों ये एज ए लाइव मैंने किया है, आप लोग देख सकते हैं 500 मेरा पहले कटा था जो कि मैंने पेमेंट किया था, ये 7:07 पे, उसके बाद में 7:12 पे मुझे पैसा रिसीव हो गया है। ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी बार पैसा ट्रांसफ़र किया है, एक बार नहीं किया है, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, अलग अलग डेट पे किया है, कि ये वर्किंग सिर्फ एक दिन कर रहा है कि रोज़ कर रहा है। तो ये देख सकते हैं ये वर्किंग कर रहा है दोस्तों। और जहाँ जहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है वो मैं हाइड कर दूँगा, ताकि मुझे कोई लोग परेशान ना करे, क्योंकि मैंने एक बार गलती की थी, मैंने नंबर दिया था जिससे मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि बार बार रात में 1-2 बजे तक मुझे कॉल आती थी। तो मैं नंबर हाइड कर दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ फास्ट टैग, फास्ट टैग में जब मैं क्लिक करूँगा, मैंने अभी आपको स्क्रीन शॉट दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं RC42 रिजेक्टेड। मैंने जो गाड़ी का नंबर, आप लोग नंबर देख लीजिए गाड़ी का, ये 2-व्हीलर अपाची है, 160 CC, देखिए यहाँ पे रिजेक्ट हो चुकी है RC। कुछ इस तरीके से आपकी भी रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी बार किया है दोस्तों, 1-2 बार नहीं किया है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं मैंने इतने बार यूज़ किया है तो कुछ तो होगा इस ट्रिक में, और ये हमेशा वर्किंग में है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कब कब इसको यूज़ किया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ऐसी आप लोगों को ट्रिक मिलती रहेंगी, आप लोगों का हमेशा मैं फ़ायदा कराऊंगा दोस्तों। तो चलता हूँ, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।